हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन जन की आस्था और सामाजिक समरसता के प्रतीक लोक देवता बाबा रामदेव का अवतरण दिवस मंगलवार को भाद्रपद शुक्ल द्वितीय पर धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। अल सुबह मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में श्रृंगार महाआरती और ध्वजारोहण के रस्म के साथ परंपरानुसार मेला प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंगल आरती के दौरान करीब 1,00,000 से अधिक लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचे। इस कारण 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लग गई। शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की ओर से यात्रियों के लिए भोजन और अल्पाहार की व्यवस्था की गई। भादवा सुदी बीच पर मंगलवार सुबह करीब 4:15 बजे मंदिर में 109 ज्योत से मंगला आरती श्रृंगार के आयोजन के बाद मंदिर की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया गया। यहां बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की गुफा और बाबा रामदेव के मंदिर में महाआरती की गई। मंगला आरती से पूर्व मेला प्रांगण में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर प्रवेश द्वार के पास विशाल LED स्क्रीन पर आरती का सीधा प्रसारण किया गया। मेले में यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन किए गए। मेला स्थल पर CCTV कैमरों के साथ यात्रियों की सुरक्षा की निगरानी और व्यवस्था के लिए स्वयंसेवक और पुलिस का माकुल जब्ता सहयोग कर रहा है। इधर हाथों में रंग बिरंगी ध्वजा लिए जय घोष करते यात्रियों का सैलाब सोमवार देर रात से ही मसूरिया मंदिर में उमड़ने लग गया था। मसूरिया पहाड़ी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सोमवार रात से यात्रियों के पहुँचने का क्रम शुरू हो गया था। मंगलवार तड़के महाआरती शुरू होने से पूर्व ही करीब 1,00,000 से अधिक लोग कतारों में लग गए। मंदिर से काफी दूर तक लंबी कतार लगी रही। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस लोगों को नियंत्रित करने की मशक्कत में जुटी रही। हाथों में पताका थामे बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्त देश के विभिन्न हिस्सों से जोधपुर पहुंचे। बताया गया है कि यह पहला अवसर है जब मंदिर प्रांगण के बाहर सड़कों पर भी हजारों श्रद्धालु की लंबी कतारें लग गई। मेला आयोजन समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी एक साथ इतने श्रद्धालु नहीं देखे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।